करणी सेना टीम द्वारा जीवन सिंह शेरपुर के सानिध्य में 21 सूत्री मांगों को लेकर जम्बूरी मैदान भोपाल में जन आंदोलन 8 जनवरी को किया जाएगा। इस दौरान धार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरा समर्थन किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ये जन आंदोलन सभी जातियों का आंदोलन है, सभी को बोलने व मांगने का हक है। करणी सेना की मांगे सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही। आंदोलन को रोकने के लिए बसों के परमिट नहीं देना, ट्रेनों को रोकना कहां की इंसाफी है। कांग्रेस इसका विरोध करती है तथा करणी सेना का पूरा समर्थन करती है। बाल मुकुंद सिंह गौतम ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार जाति कर रही है, अन्याय कर रही है। लोग वहां 21 सूत्री मांग के लिए जा रहे हैं और भाजपा सरकार द्वारा करणी सेना के आंदोलन को रोकने के लिए काम कर रही है। करणी सेना व समाज सरकार का यह तानाशाही रवैया कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार उसको आंदोलन को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जन आंदोलन है और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए आंदोलन है। मेरा निवेदन ये है सरकार से कि आप हमको बोलने का हक है, हमको मांगने का हक है, और जब हम हमारी मांग आपने सुनी नहीं, इसके पहले ही आप टेंडर रद्द कर रहे हो, बसों को आप परमिट नहीं दे रहे हो, ये कहाँ की ये बड़ी नाइंसाफी है और हम इसका विरोध करते हैं। तो करणी सेना के हम कांग्रेस सारे कांग्रेस करनी चाहिए सामने। सरकार द्वारा जम्बूरी मैदान में चद्दर लगाकर रोकथाम की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार जिस प्रकार से ये अनीति कर रही है और न्याय कर रही है, लोग वहाँ पर न्याय के लिए जा रहे हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी अपनी मांग रख रहे हैं और ये समाज को समाज से बांट रहे हैं। आज कुछ जो उनके से जुड़े हुए लोग हैं, जो सेकंड करनी सेना है, उनको सी माहौल बुलाया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका नाम? बाल मुकुंद सिंह गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष।